हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 साइंस का, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके सो स्टार्ट करते हैं। यस, वी सॉ इन क्लास 7th, आपने क्लास 7th में देखा होगा कि डिफरेंट फॉरेस्ट, पहली अनबूझो फॉरेस्ट में गए थे, वहाँ डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इन सबको उन्होंने देखा वहाँ पे। आपने सुना होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके, ग्रेट निकोबार, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व एक्सेट्रा, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। ओके सो डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, मीन्स फॉरेस्ट को क्लियर करना और उस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज करना। ओके, फॉरेस्ट को क्लियर करने की प्रोसेस डिफॉरेस्टेशन होती है। फॉरेस्ट को जो कट किया जाता है वो या फिर फैक्ट्रीज बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, या फिर फर्नीचर बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है? Fewer trees would mean that less CO2 will be used up, resulting in increased amount in atmosphere. अगर trees कम होते जाएंगे तो atmosphere में CO2 का concentration बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से global warming भी हो सकती है। Okay? The increase in temperature, earth का temperature increase होता है, जिसकी वजह से water cycle disturb हो जाएगी, rainfall कम होगी, जिसकी वजह से drought, सूखा पड़ सकता है। Okay? The soil, अगर ट्रीज नहीं प्रेजेंट है तो सॉइल इरोजन की प्रोसेस बढ़ जाती है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोज हो जाती है और वो इजिली रिमूव हो जाती है। ओके, सॉइल लेस फर्टाइल हो जाती है, इसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन मीन्स जो लैंड है हमारा वो डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इंटू डेजर्ट इज नोन एज डिजर्टिफिकेशन। फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में कन्वर्ट होना डिजर्टिफिकेशन बोला जाता है। सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्रॉट हो सकता है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो सकती है, हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन होने से हमें प्रिवेंट करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा फौना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन ईयरमार्क्ड। हमारे फ्लोरा फौना, फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स के जो वेराइटीज एंड फौना मीन्स एनिमल्स, प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटेक्टेड, इनके जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनको हम सेंचुरीज, नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। ओके, सेंचुरीज, दीज आर द एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। सेंचुरीज ऐसे एरिया होते हैं वहां पे जो एनिमल्स होते हैं उनको किसी भी डिस्टरबेंस या उनके हैबिटेट में किसी भी डिस्टरबेंस से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क आर द एरियाज फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क ऐसे एरिया होते हैं वाइल्ड लाइफ के जहाँ पे वो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनका फ्रीली यूज कर सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, दीज आर द लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड। ओके, ये लार्ज एरिया होते हैं प्रोटेक्टेड लैंड का जो वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज हैं। ओके, एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन द एरिया, उस एरिया में जो ट्राइबल रह रहे होते हैं ट्रेडिशनल लाइफ, उनके उनके लिए प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। सो सेंचुरीज क्या होते हैं? ये ऐसे एरियाज होते हैं वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस। सेंचुरी में एनिमल्स को हम रखते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ओके, नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ जो होते हैं हम उनको रखते हैं, बट दे कैन यूज फ्रीली अवर नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, सेंचुरीज में हम एनिमल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके, विदाउट डिस्टर्बिंग देयर हैबिटेट। नेशनल पार्क में हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जहाँ वो फ्रीली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये लार्ज एरिया होते हैं, ओके, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, इसमें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट, एनिमल रिसोर्स और जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ होती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व हमने भी पढ़ा, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। ओके,
बायोस्फेयर रिजर्व्स आर द एरियाज, ये ऐसे एरिया हैं जिनको बनाया गया है अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. ओके यहाँ पे दिखाए गए हैं बायोस्फेयर रिजर्व पंचमढ़ी के. ओके डायग्राम में फिगर 7.1 में. ओके फ्लोरा एंड फौना. What are the terms flora and fauna? Animals comfortable and happy live their own habitat. Okay, animals comfortably or happily अपने own habitat में रहते हैं, हमें उन्हें disturb नहीं करना चाहिए. Okay, the plants and animals, जो plants और animals that are found in a particular area are termed flora and fauna of that area. Means एक particular area में जो plants and animals पाए जाते हैं उनको उस particular area का flora and fauna बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल सील, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्स. ओके ये सारे फ्लोरा हैं. एंड ब्लू बुल, बार्किंग डियर, लियोपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सारे फौना हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व्स के. मीन्स पंचमढ़ी बायो रिजर्व में ये सारे एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं जिनको हम पंचमढ़ी एरिया का फ्लोरा एंड फौना बोलते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए हुए हैं आपको. Endemic species. What are endemic species? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. Endemic species means ऐसे species जो किसी एक particular area में पाए जाते हैं. Okay, they are not naturally found anywhere else. ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ एक particular area में ही पाए जाते हैं. तो ऐसे species जो एक particular area में पाए जाते हैं उनको हम endemic species बोलते हैं. Okay. लाइक साल एंड वाइल्ड मैंगो, ये सब है ये इंडेमिक फ्लोरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के. मीन्स ये वाइल्ड मैंगो और साल के जो ट्रीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, इसलिए इनको इंडेमिक बोला जाता है. इंडेमिक मीन्स जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे. ओके स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. ओके स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. This means that a member of species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species. Means एक species के member जो है वो दूसरे same species के member के साथ ही reproduction कर सकते हैं. Okay, species में कुछ common characteristics होते हैं. हम पढ़ेंगे wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries provide protection and suitable living condition to wild animals. Okay, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है wild life sanctuaries means ये wild animals जो होते हैं उनको protection provide करते हैं. Okay, it is pity that even protected forests are not safe because people living in neighborhood encroach upon them and destroy them. Protected forests भी अब नहीं safe रहे हैं क्योंकि people जो neighborhood आसपास के area में रहते हैं वो उन्हें destroy करते जा रहे हैं. Okay. National park. Children are now eager to go there. Madhavji tells them that reserves are large and diverse enough protected whole sets of ecosystem. They preserve flora, fauna, landscape, and historic object of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. Okay. नेशनल पार्क क्या करते हैं, दीज रिजर्व्स, इनके इनमें क्या क्या आते हैं, लार्ज एंड डाइवर्स, ये बहुत ही लार्ज और डाइवर्स होते हैं. ओके ये हमारे इकोसिस्टम के वो एक पर्टिकुलर सेट को प्रोटेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया. नेशनल पार्क में एक पर्टिकुलर एरिया के फ्लोरा, फौना एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं वो कंजर्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. ओके सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. द फाइनेस्ट इंडियन टीक फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. जो फाइनेस्ट इंडियन टीक होती है वो इन फॉरेस्ट में पाई जाती है. सतपुरा टाइगर रिजर्व. ओके एक बोर्ड पे लिखा था तो उनके जो गाइड थे माधव जी, उन्होंने एक्सप्लेन करा कि प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर इन दिस कंट्री. ओके टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था. यहाँ पे देखिए टाइगर, वाइल्ड बफेलो, बारह सिंह आपको दिखाया गया. अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एंडेंजर्ड एनिमल्स. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लॉयंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलो एंड बारह सिंह, ये सारे जो एनिमल्स आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे.
अब क्या हो गया है, एनिमल हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन इज नोन एज इनडेंजर्ड एनिमल्स। इनडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? इनडेंजर्ड एनिमल्स हम ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जिनका नंबर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और ये एक्सटिंक्शन मीन्स एकदम से गायब भी हो सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम इनडेंजर्ड बोलते हैं। ये अभी तक एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, पूरी तरह से गायब नहीं हुए, बट इनका नंबर कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है। एक स्टेज ऐसे भी आ सकती है कि ये टोटली एक्सटिंक्ट हो जाए, सो ऐसे एनिमल्स को हम इनडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। ओके, एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक इकोसिस्टम एक पर्टिकुलर एरिया के प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट इज क्लाइमेट सोयल रिवर डेल्टास, इन सबको मिला के एक इकोसिस्टम बनता है। रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इनडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ प्लांट। रेड डेटा बुक ऐसी बुक है जिसमें जितने भी इनडेंजर्ड एनिमल्स ऑफ प्लांट्स हैं उनका रिकॉर्ड इस बुक में मेंटेन होता है। माइग्रेशन, द एक्सक्लूजन पार्टी विद देन एंटर्स डीपर इन टू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधोजी, दे सिट नियर द टावर रिजर्वायर टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic change. Migratory birds आपने सुना होगा, for example एक migratory birds है साइबेरियन, जो हर जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो एक पर्टिकुलर एरिया से दूसरे एरिया में मूव करती हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। वो रिप्रोडक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर दूसरे एरिया में जाती हैं क्योंकि वो जिस एरिया में रह रही होती हैं वो एरिया दैट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। ओके, वो बहुत ही कोल्ड होता है और फेवरेबल नहीं होता है। बर्ड्स कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, बर्ड्स बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करती हैं। ओके, जिनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, आपने क्लास सेवेंथ में पढ़ा था। वन एग्जाम्पल इज साइबेरियन। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times for use. Paper को हम 5 to 7 times recycle कर सकते हैं। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. अगर आप एक paper एक दिन में बचाते हैं तो हम बहुत सारे trees को save करते हैं। So हमें papers को save करना चाहिए, उनका waste नहीं करना चाहिए। Reforestation, reforestation can take place naturally also. Reforestation क्या है? It is a restocking of destroyed forest by planting new trees. जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वहाँ पे न्यू ट्रीज को लगाना रिफॉरेस्टेशन कहलाता है। ओके, ये नेचुरली भी हो सकता है, ओके, या फिर मैन ह्यूमन भी रिफॉरेस्टेशन कर सकता है। ओके, इन इंडिया वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, इंडिया में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया है। दिस एक्ट, इस एक्ट का एम क्या है? फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग देयर बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। नेचुरल फॉरेस्ट जो है हमारे, उनको कंजर्व करना, ओके, और जो पीपल आस पास के एरिया में रहते हैं उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना इस एक्ट के अंडर में आता है। ओके, सो होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में आपने पढ़ा बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, अबाउट डिफॉरेस्टेशन, इट्स कॉन्सिक्वेंसेस that include desertification means conversion of fertile land into desert, about ecosystem, the living and non-living component of an area together contribute the ecosystem, endangered species, endemic species are those species, the species of a particular area that found only in that area, okay, जो सिर्फ उसी एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसे species को हम endemic species बोलते हैं। Okay, so hope आप सभी को chapter समझ में आ गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।